इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस कंपनी के साथ 56 C295 एयरक्राफ्ट की एक डील की, जिसे टाटा कंपनी के द्वारा देश में ही बनाया जाएगा। ये देश में किसी प्राइवेट कंपनी को मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। पर क्या C295 एयरक्राफ्ट एक सही ऑप्शन बन पाएगा? क्या टाटा कंपनी इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएगी? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट को मॉडर्नाइज कर रही है, अपने एयरक्राफ्ट को एडवांस कर रही है और उनके स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। आज बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की पुरानी पड़ रही लाइट कार्गो एयरक्राफ्ट की फ्लीट की। अगर नंबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स 50 के नंबर में जर्मनी के डोनियर डू 228, 57 के नंबर में यूके के ओकर शिडली और 104 के नंबर में यूक्रेन के एंटोनोव AN-32 को ऑपरेट करती है। इनमें ओकर शिडली सबसे पुराने एयरक्राफ्ट है जो अपने 50 साल की एज को भी पार कर चुके हैं। अब इन्हें रिटायर करना था तो इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस के साथ एक डील की, जिसमें एयरबस के 56 C295 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। ये डील $22,000 की होगी। इसमें 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से एयरबस कंपनी के प्लांट से बनकर सीधे भारत आएंगे और बाकी के बचे सभी 40 एयरक्राफ्ट को देश में ही प्राइवेट कंपनी टाटा बनाएगी। पहली बार रचा जाएगा इतिहास, देश में पहली बार होगा जब कोई प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी। इससे पहले केवल HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती थी। देश में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी को मिला इतना बड़ा मिलिट्री का ऑर्डर, तो ये टाटा कंपनी के लिए काफी बड़ा और महत्वपूर्ण ऑर्डर है। पर सवाल ये उठता है कि ये एयरक्राफ्ट क्यों चुना गया, क्योंकि ये एक एयरक्राफ्ट काफी रोल प्ले कर सकता है, जैसे टैक्टिकल और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट, पैराशूट और कार्गो ड्रॉप, इसी के साथ साथ मेडिकल इवैक्यूएशन, मैरिटाइम पेट्रोल जैसे रोल भी ये प्ले कर सकता है। साथ ही इसके कई वेरिएंट आते हैं, जैसे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, C295 MPA एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, C295 फायर फाइटर, CC-295 किंगफिशर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट, C-295 सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट, AC-295 गनशिप एयरक्राफ्ट, इसी के साथ साथ KC-295 टैंकर एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट के साथ एक रिमूवेबल फ्यूल किट भी आती है, जिसे एयरक्राफ्ट में लगाकर एज ए एयर टैंकर भी यूज किया जा सकता है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स एयर रिफ्यूलर टैंकर की कमी से भी जूझ रही है, इनकी हेल्प से एयर टैंकर की कमी को पूरी की जा सकती है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के पास एवॉक्स के भी कुछ अच्छे नंबर नहीं है। इन एयरक्राफ्ट को नेत्र एवॉक्स की तरह इनके ऊपर रडार एंटेना इंस्टॉल कर एज एवॉक्स भी यूज किया जा सकता है। तो एक ही एयरक्राफ्ट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस डील के अंदर 22,000 करोड़ रुपये में 56 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे और 40 एयरक्राफ्ट टाटा कंपनी बनाएगी देश में। रिपोर्ट की माने तो इन 40 एयरक्राफ्ट को हैदराबाद, बेंगलुरु, गुजरात या उत्तर प्रदेश में से किसी एक जगह पर बनाया जाएगा। इसके लिए अच्छी जगह देखी जा रही है। इसी के साथ एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो नया प्लांट बनाया जाएगा, इसमें 6,000 नए रोजगार पैदा होंगे जो बढ़ती बेरोजगारी को कम करेंगे। वहीं पर टाटा कंपनी को 10 साल में इन 40 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना होगा, यानी एवरेज देखें तो हर साल 4 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने होंगे, जो टाटा जैसी बड़ी और एक्सपीरियंस कंपनी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर टाटा कंपनी इन ऑर्डर को टाइम पर या टाइम से पहले पूरा करती है तो फ्यूचर में इन्हें ज़्यादा ऑर्डर भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।